हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शकुंस किचन। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है सैगो वड़ा या साबुदाने का वड़ा। ये व्रत के लिए स्पेशल है, लेकिन अगर हम चाहें तो कभी भी इसको एज ए स्नैक ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये कटोरी साबुदाने की ली है। इसको 5-6 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था, और इसको आप एक बार चेक कर लीजिए कि यह सॉफ्ट हो गया है कि नहीं। उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए पानी ड्राई करने के लिए स्ट्रेन कर लीजिए। अब हम इसको बाउल में डाल लेते हैं। ये देखिए, साबुदाना अच्छे से गल चुका है। ये देखिए, हाथ से इसको टच करके देख लेना चाहिए, नहीं तो इसको कुछ देर और भीगने के लिए छोड़ना पड़ता है। इसमें मैं हम मिक्स करेंगे रोस्टेड पीनट। ये मैंने बाजार से रोस्टेड पीनट लिया है, ये तकरीबन 70 ग्राम के करीब है। और हम घर पे भी कच्ची मूंगफली लेके ड्राई रोस्ट करके उसको पीस लेते हैं। अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे पीसने के लिए। ये देखिए, ये हमने ग्राइंड कर लिया। जो फाइन पाउडर बन जाता है वो बाइंडिंग के काम आता है, और जो थोड़े मोटे दाने बीच में रह जाते हैं उनका क्रंच बहुत ही अच्छा आता है। ये 4 स्मॉल आलू बॉईल करके मैश किए हुए हैं। आलू हमने जरूरत के हिसाब से डालने हैं, जो इसको बॉडी भी दें और बाइंडिंग में भी हेल्प करें। पहले हम ये इतने आलू डाल देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बाद में डाल लेंगे। ये 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून ग्रेट की हुई गाजर है। अगर आप व्रत में गाजर या धनिया जो कुछ भी नहीं खाते तो उसको आप ओमिट कर दीजिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जरूरी नहीं होते, जो जो कुछ आप खाते हैं वो ठीक है, जो नहीं लेते उसको आप अवॉइड कीजिए। मिक्सर अच्छे से मिक्स हो गया और ये जुड़ भी गया, तो इसमें हमें अब और आलू डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, और मिर्च हम अपनी इच्छा के अनुसार डाल, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा मिर्ची डाल लीजिए, नहीं तो कम डाल लीजिए। मैंने 1/2 छोटा चम्मच मिर्ची डाली है, और साथ ही डालेंगे वाइट पेपर। इसमें मैंने 1/2 छोटा चम्मच अमचूर का डाला है, और मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप व्रत में नहीं खाते तो आप मत डालिए, आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम या और कोई वेजी जो आपको पसंद हो। पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। इन द मीन टाइम हम अपने सैगो वड़ा बना लेते हैं और इनको मनपसंद आकार दे देंगे। अपने हाथों पर मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया, और इसको राउंड शेप, ओवल शेप या बॉल शेप, जो भी शेप चाहें आप दे सकते हैं। हम इन वड़ा को शैलो फ्राई भी करेंगे और डीप फ्राई भी। पहले मैं आपको शैलो फ्राई करना दिखा रही हूँ। पैन में हमारा तेल गर्म हो गया, तो इसमें हमने वड़ा डाल दिया। इनको मीडियम आंच पर कुछ देर के लिए सेकने देना है, ताकि नीचे की तरफ से ये अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद हम इसको पलट देंगे। हमारे वड़े दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। वड़े निकालते समय कोशिश करनी चाहिए कि हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल निकाल दें। जब तक ये वड़े शैलो फ्राई होते हैं, मैं आपको एक वड़ा डीप फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। हमने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया, तो उसमें हम ये वड़ा तल लेंगे। वड़े को पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए और प्लेट में निकाल लीजिए।
तो फ्रेंड्स हमारे सैगो वड़ा बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको चटनी के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।